लंबे समय के बाद आज फिर नक्सलियों ने अपनी धमक से स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी। दरअसल पूरा मामला गरियाबंद जिले के छोरा थाना क्षेत्र का है, जहां ग्रामीण आज रोज की तरह अपने काम के लिए निकले तो लोगों की नजर जैसे ही नक्सलियों द्वारा लगाए गए पोस्टरों पर पड़ी तो उनकी धड़कनें तेज हो गई। पोस्टरों में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात लिखी हुई थी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दहशत फैलाने के लिए बाजार के चबूतरे के पास कुछ इलेक्ट्रिक वायर जमीन में दबा कर रखे थे। बैनर को हाथ न लगाने और बम फटने की बात उस पर लिखी हुई थी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस फोर्स ने पहुंचने पर जांच की तो पता चला कि वहां किसी प्रकार का कोई बम नहीं है। जांच के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। अब देखा जाएगा कि आगामी अप्रैल माह के मध्य में होने वाले लोकसभा चुनाव प्रशासन किस तरह से संपन्न कराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सोमाय न्यूज़। पीपर छेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत रसेला गांव में बस के पास और कुछ जगह पर पर्ची लगे थे, बैनर पोस्टर टंगे हुए थे कि सूचना पर पुलिस पार्टी गई हुई है और वहां पर बम लगने की सूचना पर बीडीएस स्क्वाड के द्वारा चेक किया गया। किसी प्रकार का कोई बम वहां पर नहीं मिला है। वायर जरूर वहां पर बिखरे पड़े हुए थे लेकिन ऐसी कोई प्रकार की सूचना नहीं मिली है। बैनर पोस्टर जो टंगे थे उसको हटा दिया गया है और खैरियत है। निश्चित रूप से उस क्षेत्र में जो आमदरफ्त हुई है और जो आए हैं इसके लिए वहाँ पर हमारी पार्टी लगातार वहाँ मौजूद रह कर